नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे HSSC CET का जो रिजल्ट रिवाइज किया गया है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको ये चेक करना है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कुछ समय के लिए जो है आवाज़ नहीं रहेगी वीडियो में, उसको एडजस्ट कर लेना, आगे आपको कंप्लीट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, न्यू कैंडिडेट पे आपको एक बार एंटर करने के बाद आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके जो यूज़र आईडी आपकी है रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, मैं भर देता हूँ। और पासवर्ड आपका जो OTP आया था उसके साथ पासवर्ड भी आया है, आपके मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल आईडी पर भी। तो अब वो पासवर्ड मैं यहाँ पर भर देता हूँ। पासवर्ड भरने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन करना है और यहाँ पे मांगेगा एंटर करंट पासवर्ड, एंटर न्यू पासवर्ड, जो आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है, चेंज पासवर्ड के लिए, ठीक है। जो आपको पासवर्ड रिसीव हुआ है वो अटपटा सा है, ठीक है, जैसे 147 क्या UPT इस तरीके से, यहाँ पे आप वो पासवर्ड भर दोगे और अपना नया पासवर्ड चेंज कर लोगे। मैं करके कर देता हूँ एक बार इसको। तो पासवर्ड मैंने सेट कर लिया है, मैं चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब मैं दोबारा इसके अंदर लॉगिन करूँगा, तो लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरी डिटेल खुल के आ गई है। ऊपर यहाँ पे जो ये 3 लाइन है यहाँ पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ रिजल्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। रिजल्ट पे करूँगा, CET दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, कब एग्जाम था, कब कितने मार्क हैं, सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप अपना स्कोर देख सकते हैं, 95 में से ये रिजल्ट जारी किया गया है। वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप रिजल्ट देख सकते हैं, जानकारी अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर कर देना।